हेलो बच्चों, आज की कविता है हल्ला गुल्ला, जो उत्कर्ष बुक के क्लास थर्ड से ली गई है। स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं, कई तरीके के होते हैं सपने। जीवन में हम जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जैसा कुछ करना चाहते हैं, कई बार वही सब हमें सपने में दिखाई देता है। सपने दरअसल हमारे मन की अधूरी इच्छाएं, हमारे इरादे ही होते हैं, यानी हम जो चाहते हैं। इस कविता में कवि ने एक बच्चे के सपनों का वर्णन किया है, यानी एक बच्चे के सपनों के बारे में बताया है। जब कोई बच्चा सपने देखता है तो उसे क्या क्या दिखता है? वह अपने मन की अधूरी इच्छाएं देखता है, अपने इरादों पूरे होते हुए देखता है, दूसरों को गलत रास्ते पर और स्वयं को सही रास्ते पर चलता हुआ देखता है। कहीं आप भी इस बच्चे जैसे अब सपने तो नहीं देखते, जैसे ये बच्चा सपने देख रहा है? तो हमारी कविता है, एक आम का पेड़ लगा था, उस पर बहुत बड़ा रसगुल्ला, उसे तोड़ने को सब बच्चे मचा रहे थे हल्ला गुल्ला, पर मेरी ही किस्मत में था उसको पाना, उसको खाना, मैंने देखा स्वप्न सुहाना। इसमें एक बच्चे ने सपना देखा था कि एक आम का पेड़ था, लेकिन उसमें एक बड़ा सा रसगुल्ला लगा हुआ था, और सब बच्चे जो थे उसको तोड़कर खुश हो रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और उस बच्चे ने कहा, पर मेरी ही किस्मत था में था उस बड़े से रसगुल्ले को खाना, और वो सपने में बहुत खुश था। और सपने में उसने ये भी देखा, सारे बच्चे इम्तिहान के दिन बैठे थे अपने घर पर, खुली किताबें रखी सामने, सभी पास हो गए पिछड़ कर, पर मेरी ही किस्मत में था सब बच्चों में अव्वल आना, मैंने देखा स्वप्न सुहाना। वो बच्चा कह रहा है, एक इम्तिहान हुआ, इन लोगों का एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चे ने वो एग्ज़ाम अटेंड किया, यानी एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों ने अपने घर पर ही दे दिया और बुक सबकी खुली हुई रखी थी, और सब लोग पास हो गए पिछड़ कर, यानी पीछे से पास हो गए। और जो ये बच्चा जिसने सपना देखा, वो बोला मेरी ही किस्मत में था फर्स्ट आना, मतलब वही सपने में फर्स्ट आया, बाकी सारे लास्ट आ गए। ओलंपिक में खेल हो रहे भारत के ही किसी नगर में, बच्चा बच्चा खेल रहा था आंगन घर घर आंगन में डगर डगर में। उसने देखा ओलंपिक में गेम हो रहे हैं भारत के कोई सिटी में, और सारे बच्चे अपने घर आंगन में ही आसपास में खेल रहे हैं, पर मेरी ही किस्मत में था सारे पदक जीत कर लाना, मैंने देखा स्वप्न सुहाना। और उस बच्चे ने देखा कि सारे बच्चे नहीं, वो ही जीत गया। कि इसके कवि हैं योगेंद्र कुमार लल्ला। थैंक यू।